students, welcome back to our YouTube channel Concept in Science. In today's video, we will discuss about the reproduction. First of all, each and every organism which take birth, that must die. And this time period between the birth to natural death, that is known as lifespan. So lifespan kya ho gaya? Time period between birth to natural death. उसको हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है दैट इज रिलेटेड टू देयर साइज. अभी हम कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं. जैसे हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक है पैरेट और दूसरा है क्रो. बोथ दिस पैरेट एंड क्रो दे हैव कंपेरेबल साइज, मीन्स अगर इनका साइज देखें तो दोनों का लगभग सिमिलर साइज है, बहुत कम फर्क है इनके साइज में. लेकिन अगर इनका लाइफ स्पैन देखें, साइज तो क्या इनका सिमिलर है, लेकिन अगर इनका लाइफ स्पैन देखें तो अगर पैरेट का जो लाइफ स्पैन है दैट इज 140 इयर्स, व्हाइल द लाइफ स्पैन क्रो इज ओनली 15 इयर्स. दैट मीन्स बोथ दीज ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर साइज बट देयर लाइफ स्पैन डिफर अलॉट. दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं हम. जैसे एक है पीपल ट्री और दूसरा मैंगो ट्री, तो दोनों का ही साइज जो होता है दैट इज कंपेरेबल है साइज, दोनों का साइज लगभग सिमिलर होता है. लेकिन अगर इनका लाइफ स्पैन देखें तो पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन है दैट इज मच मोर देन द मैंगो ट्री. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू देयर साइज. इट इज दिस क्वेश्चन कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड इन टू द सीबीएसई एग्जाम और इन द नीट कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का, क्या लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का उसके साइज से रिलेटेड है. तो ऐसा नहीं है कि जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पैन लंबा हो, ऐसा कहीं ऐसा कोई श्योर नहीं है. मीन्स लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू इट्स साइज. नेक्स्ट आता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच टेक बर्थ दैट विल मस्ट डाई. मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म जिनका बर्थ होता है दैट विल डाई वन डे, दे विल डाई. मीन्स नो वन इज इमोर्टल एक्सेप्ट, यहां पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम देखें, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन या फ्यूजन, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, मींस इन दैट ऑर्गेनिज्म देयर इज नो नेचुरल डेथ. मींस दीज ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव थ्रू आउट द लाइफ और जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ देयर डॉटर सेल्स. सो दीज ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर विच रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फ्यूजन दीज आर इमॉर्टल. जो भी ऑर्गेनिज्म है विच इज प्रोड्यूस और विच टेक बर्थ दैट विल डाई मस्ट, मीन्स डेथ इज सर्टेन इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्यूजन से मल्टीप्लाई करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर डॉटर्स, सो दीज आर इमॉर्टल. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय द फ्यूजन आर कॉल्ड एज इमॉर्टल. देन नेक्स्ट है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है मीन्स दैट विल गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दैट यंग वन विल ग्रो इन साइज एंड देन इट विल अगेन प्रोड्यूसेस द न्यू यंग वंस. दैट मीन्स देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. मीन्स वट एवर लाइफ प्रोसेस आर अकरिंग इन आवर बॉडी, मीन्स डिफरेंट लाइफ प्रोसेस आर अकरिंग इन आवर बॉडी लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा टू कंटिन्यू आवर लाइफ. कितने भी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं हमारी बॉडी को कंटिन्यू रखने के लिए, ऑल दो डेथ इज सर्टेन उसके बाद भी डेथ होती है. इसका मतलब देर मस्ट बी सम प्रोसेस विच कैन कंटिन्यू
the organism even after its death. And this is the reproduction. Exactly, I am talking about a reproduction. This is the reproduction process which can continue an organism even after its death. So let's start the topic reproduction. First of all, this reproduction term is made up of two words, that is re plus production. Here it has re plus production. Re means again and production means to produce or to create. That means reproduction kya ho gaya? Reproduction is a biological process in which an organism produces young ones or offspring of its own type. Matlab apne jaise hi apne next generation ko produce karna, that is reproduction. Ab aate each and every organism means there is a large diversity of organism. Bahut tarah ke organism hai. So different organism produces different mode of reproduction. Each and every organism will reproduce to continue their species. So whether all will reproduce either by asexual method or by sexual method. So what are the differences between asexual and sexual mode of reproduction? First of all, this asexual method is uniparental, means here single parent is involved, here single parent produces the next progeny, while this sexual method is biparental. Here both the sexes are involved in the production of the new young one. In this asexual method, formation of gamete may or may not be. Formation of gametes may or may not be. हो सकता है बने और हो सकता है ना. Mostly नहीं बनते but maybe formation हो सकती है. लेकिन यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मस्ट. जरूर है, जरूरी है इसमें बनना. थर्ड है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर व्हाइल in sexual reproduction formation and fusion both processes are necessary. Fusion of gametes necessary, zarur hota hai. In asexual reproduction the young ones or the progeny produced is similar to each other as well as similar to their parents, so we can call them clones. Here clones are produced. और यहां सेक्सुअल मेथड में क्लोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. देन इन एसेक्सुअल मेथड वेरिएशंस डज नॉट अकर, क्योंकि यहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो वेरिएशंस यहां पे बहुत कम होते हैं. वेरिएशंस डज नॉट अकर व्हाइल इन द सेक्सुअल मेथड बिकॉज here the offspring has genetic combination of both the parents, so here variations occurs. बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस जो हैं वो उसको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. As here in asexual method of reproduction variations does not occur, that means it does not help in evolution. इवोल्यूशन में इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है. और यहां पे बिकॉज यहां पे वेरिएशन आते हैं तो इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन. अब यहां पे आपको आता होगा कि मैंने यहां पे बताया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे तो समझ में आता है ठीक है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है. यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स ऐसा भी बताएंगी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स डज नॉट अकर. अब अगर हम देखें कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेथड से जैसे स्पोर फॉर्मेशन है, इन केस ऑफ फंगस
जहां स्पोर्स बनते हैं। तो अगर हम स्पोर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स आर हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स। स्पोर्स क्या है भाई? हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स हैं। और हम गैमेट्स देखें तो गैमेट्स क्या हैं? गैमेट्स आर आल्सो हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स। दैट मींस ड्यूरिंग द एसेक्स रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन होता है और वो हैप्लोइड होते हैं, और सेक्सुअल में गैमेट्स बनते हैं वो भी हैप्लोइड होते हैं। इसका मतलब सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन में भी जिसमें स्पोर फॉर्मेशन से होता है वहां गैमेट फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन नहीं होता। आफ्टर डिस्कशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस कॉन्टिन्यू द लाइफ, मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यू टू विच लाइफ इज कॉन्टिन्यू टिल द ओरिजिन ऑफ अर्थ। मीन्स ये रिप्रोडक्शन ही प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ कॉन्टिन्यू है इट्स ओरिजिन से। देन सेकेंड वन परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज, दिस रिप्रोडक्शन इज एन आंसर टू द डेथ। ड्यू टू दिस रिप्रोडक्शन इट दिस रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द इनडेफिनेट लाइफ ऑफ ए स्पीसीज एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज फॉर द इनडेफिनेट टाइम वन जनरेशन आफ्टर सेकेंड जनरेशन। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस विच मेंटेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द पॉपुलेशन, दैट इज नंबर ऑफ एल्डर्स, नंबर ऑफ इन्फेंट्स, नंबर ऑफ अडल्ट, दैट इज मेंटेन्ड बाय द रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट है वेरिएशंस, दिस रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस ड्यू टू विच दिस डाइवर्सिटी कैन बी पॉसिबल। सो दिस वेरिएशंस आर द रिजल्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, और मेनली दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस वेरिएशंस आर हेल्पफुल इन आवर सर्वाइवल। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है रिप्रोडक्शन की, दैट इज ट्रांसफर ऑफ दिस वेरिएशंस, दिस यूजफुल वेरिएशंस इन टू द नेक्स्ट जनरेशन। These are the importance of reproduction. In the this is all about the process of reproduction and its introduction. In the next video, we will discuss about the various methods of asexual reproduction. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.